पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में रैचेट बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को हुआ क्या था? पता नहीं कैसे वो मेगाट्रॉन के हाथ लग गया और उसने उससे पूछताछ की। बम्बलबी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। एक डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहा। उस डॉक्टर को लगा कि वो और बेहतर कर सकता था। यकीन नहीं होता, बम्बलबी का टी कॉक खराब नहीं, वो गायब है। क्या वो होता है टी बोन की तरह? वो एक ऑर्गन है जिसकी मदद से हम स्कैन और ट्रांसफॉर्म होते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? साथ मिलकर काम करना है, इसलिए। एक टीकॉक टेक्नोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी है। हमारे पास दो और कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनकी जानकारी ओरायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी। देखते हैं इन दो जगहों से हमारे हाथ कौन सी नायाब चीजें लगने वाली है। तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है? तुम जानते थे कि वहां दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बम्बल भी कार नहीं बन सकता। उसने कार उधार ली थी। हे, बी को होश आ रहा है। तुम पहले ही अपना वॉइस बॉक्स और टी कॉक खो चुके हो। उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्क भी खोना चाहते हो? ऐसा मत कहो बम्बल भी, तुम बेकार नहीं हो। देखो, मुझे भी बम्बलबी की चिंता है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ आयोकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है। बीते वक्त की तारीफ करने से या दोष देने से वो बदलेगा नहीं। कोशिश करो कि आइंदा कोई भी बेवजह खतरा ना मोल ले। बम्बलबी, तुम बेस से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ टीकॉक मिल नहीं जाता। बम्बलबी का परेशान होना जायज है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है। एक ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, डोनर तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल काफी बड़ा है, लेकिन इस समाधान से हम एक ऑटोबॉट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे। मैं टीकॉक उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बम्बल भी करता है। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत मेरे किसी भी काम की नहीं। मैं हर रोज यही बेस में रहता हूँ, जहाँ मेरी सोच और मेरे हाथ ज्यादा अहमियत रखते हैं, मेरे हथियार और व्हील्स नहीं। हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन मानो हम बम्बलबी का टीकॉक वापस ले आएंगे। ऑप्टिमस, मैक दरिंदे हैं। हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हों, या ऐसी हालत हो कि मरम्मत ही ना हो पाए। रैचेट, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। प्लीज ये मत समझना कि मैं उसका वॉइस बॉक्स नहीं बचा पाया, इसीलिए उसकी भरपाई कर रहा हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सही हो, बम्बलबी के लिए, हमारी टीम के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया नॉकआउट। जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन ये करता क्या है? जान गए क्या करता है? मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है। यही वो जगह है। हाँ, खजाना कैसा लगा साइलस? मैं मेगाट्रॉन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था। देखो ना, ऑटोबॉट्स कई बार उन्हीं की वजह से एक कदम आगे रहते हैं, पर वो खुद को बहुत बड़ा चालबाज समझते हैं। पर असल में मेगाट्रॉन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं, बहुत ही छोटी सोच।
मैं तो बस साइज की बात कर रहा था। क्या तुम कभी चुप नहीं रहते? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने खुद एक ऑटोबॉट को मारा था? ये है पूरी तरह से शुद्ध एनर्जॉन, जिसे हम ले जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे मांसपेशियों से बने मेरे दोस्त, जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूंगा, इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम में से किसी को यह काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ तोड़फोड़ ही कर सकते हो। आरसी, ऑप्टिमस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं। स्थिर और ज्यादा बड़े भी, जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी। आरसी, तुम ये कर सकती हो, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली कोई नहीं। सिर्फ मैदानी जंग में, ऑपरेटिंग थिएटर में नहीं। एक ही बात है, सिर्फ अगर छुरी तुम्हारे हाथ में हो, तुम पर नहीं। क्या इसका मतलब अब से बम्बलबी एम्बुलेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ करेगा या चिचड़ा हो जाएगा? ये तो बहुत बुरी बात है। बेहोश कर रही हूँ। तो मेरा शुक्रिया अदा काम पूरा होने के बाद करना। चलो बम्बलबी, तुम्हारी बारी। क्या हो रहा है? रैचेट, चल बसा। बिल्कुल नहीं। एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस। उसका सिग्नल मिलने का मतलब है डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निकाला है। ऑटोबॉट्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हमारे पेशेंट्स को छोड़कर रैचेट पर बेहोशी का असर कम कर दो। ब्रायन, एक जबरदस्त खबर है। ब्रायन कहाँ है? देखो, उससे कहना मुझे सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनसे हमें मैक के सही ठिकाने का पता चल गया है। क्या मुसीबत है? वहाँ पर कोई है जो सिर्फ टू टू में बात नहीं करता हो? मैं समझाता हूँ। क्या फ्यूजर के वॉइस बॉक्स की मरम्मत करनी है? अब ये फ्यूजर कौन है? वहाँ पर हो क्या रहा है? हाय, बेंटोर से पूछ लो। मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी कि टीन का डिब्बा बन गया। लेकिन बी, ऑप्टिमस ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था। कोऑर्डिनेट्स भेज दीजिए एजेंट फाउलर, हम उन्हें ऑप्टिमस तक पहुंचा देंगे। ये क्या बात हुई? मेगाट्रॉन ने हमसे इतनी मेहनत करवाई, वो भी सिर्फ एक और हथौड़ा हासिल करने के लिए। वो हथौड़ा तेरा असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है। सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा ना? लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासिल किए डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आयकॉन की तिजोरी में पड़ी हर एक अहम चीज को अलग अलग दुनिया में छुपा दिया गया था, और ये वाला तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे सोलस प्राइम का फोर्ज कहते हैं। इसमें बसी रहस्यमयी शक्तियां किसी भी चीज को मैकेनिज्म बना सकती हैं। आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते हैं? या मुमकिन है कि बम्बल बी के लिए एक नया टीकॉक बना पाए।
एनाजॉन को डालो। काम कर रहा है एनाजॉन, इससे हमारी बनाई फौज सब पर भारी पड़ेगी। तुम्हारी बनाई फौज, देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमत्कार होता देखेंगे। टीकॉक के बिना ये निहत्ता है। चलो अब उठाओ इसे। ऑटोबॉट्स, मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। हमारा ठिकाना और आविष्कार दोनों खतरे में हैं। घुसपैठिए को मार दो, टीकॉक को लेकर मुझे पहाड़ी पर मिलो। मैं तुम्हारा भाड़ी का टट्टू नहीं हूँ, मैं एक कमांडर हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। रैचेट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्राइम, क्या बात है एजेंट फाउलर? क्या प्राइम कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गया? कोऑर्डिनेट्स? मैक के ठिकाने का मैंने आधे घंटे पहले भेजे थे। फिक्र मत कीजिए एजेंट फाउलर, कोई उनसे निपटने गया है। ऑप्टिमस को कुछ रिसेप्टिकॉन्स को रोकने जाना पड़ा तो उनके बजाय बम्बल भी चला गया। क्या, बम्बल भी क्यों चला गया? सर्जरी के बाद हालत नाजुक होती है। वो अलग बात है। वरना क्या करोगे, शूट करोगे? अफसोस, ट्रांसफॉर्म ना होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। अब कभी भी तेज रफ्तार का मजा नहीं ले पाओगे। एक ऑटोबॉट होते हुए हारना तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। उसे तो उड़ा दिया, अब मैं भी उड़ता हूं। हाँ,
मेरा टीकॉग? हाँ वो, बदकिस्मती से वो घमासान लड़ाई के दौरान बर्बाद हो गया। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सभी ऑटोबॉट्स में टीकॉग्स हैं। हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक और ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अभी। वक्त की करवट किसी पर भी भारी पड़ सकती है। कल हीरो में दम था और आज विलन ज्यादा दमदार है। मेरा बालक ज्यादा बड़ा है। प्राइम्स की निशानी, वो भी अर्थ पर? डिसेप्टिकॉन के इतने काम आने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं ओरायन पैक्स का। मैं ठीक हूं ऑप्टिमस। एजेंट फॉलर को किसी तरह मेक के ठिकाने का पता चल गया है। बम्बल भी वहां पहुंच चुका है। ये क्या? मेरा टीकॉग, रैचेट, ब्रिज को दोबारा शुरू करो और सर्जरी की तैयारी करो। मेरी वजह से फौज मेगाट्रॉन के हाथ लग गया। अगर वो हमारे हाथ लग गया होता तो बेशक हमारे बहुत काम आता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेगाट्रॉन के भी कुछ काम नहीं आएगा। देखने से तो ये कोई बड़ा धमाका करने वाला हथियार नहीं लगता। मेरा शक सही था, इसे काम करने के लिए प्राइम्स की ताकत चाहिए। ये फोर्ज हमारे लिए एक बेकार औजार है। इसके बावजूद हमें इसे हर हाल में प्राइम की पहुंच से दूर रखना होगा। जो कर सकता था वो मैंने किया। हमारे जाबाज को तुम ही ठीक कर सकते थे मेरे दोस्त। तो प्लान में बदलाव कब आया? रैचेट ने अपना कॉग डोनेट क्यों नहीं किया? बम्बलबी को ये मंजूर नहीं था। बम्बलबी आराम से।
तबीयत सुधरने में वक्त लगता है। कॉक की हालत बहुत खराब थी। क्यों नहीं? बस चलो। आराम से बम्बलबी। और जरूरत से ज्यादा तेज मत चलाना। हो, बी के टी कॉक को देखकर लगा था कि वो कबाड़ बन चुका है। पता नहीं डॉक्टर ने उसे कैसे ठीक कर दिया। रैचेट ने आज सिर्फ उसे ही ठीक नहीं किया,